जगह मुझे बहुत खुशी हुई है कि अब आ गए हैं, अब हम खूब इंजॉय करेंगे, नया साल भी यहीं मनाएंगे। यस बाय। हेलो दोस्तों, आज आप देख रहे होंगे कि हम सफाई कर रहे हैं। हम का मतलब होता है दोनों सफाई कर रहे हैं। मैं अकेला नहीं काम करूंगा शोरे। आज दोनों सफाई करो। हम तीनों साफ सफाई करेंगे। तो आज हमारे घर पे आ रहे हैं स्पेशल गेस्ट। वो स्पेशल गेस्ट आपको पता चल ही गया होगा, वो और उनकी बेटी भी आ रहे हैं। वाह, उनका क्या इंट्रोडक्शन दिया है। वो रिश्ते में हमारी मम्मा लगती है और वो मम्मा की बेटी लगती है। उस हिसाब से शिखा मेरी बहन हुई यार। हाँ? यार देखो, 1-1.5 महीने बाद आ रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग ना मेरा खिल गया है। तो ये मैं बाद में थोड़ा सा करती हूँ सेट। तो इन्होंने कुछ नहीं करना था सफाई वगैरह, ये सिर्फ एक बहाना था। ना मनी ने कभी ये फोल्ड करवाई है, ना आज करनी है, ना और ना चाय बनाई है। चाय नहीं बनाई। तो अभी हम जा रहे कहाँ? एयरपोर्ट। ये उस दिन हम गए थे शौर्य को लेने, आज हम जा रहे हैं किसको लेने? आंटी और शिखा को लेने। और शौर्य, आपको पता है मम्मा के आने से सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? आपकी मम्मा को। देख साक्षी, जब वो आई तो उसको कितनी रिस्पेक्ट मिली, इतना चाह किया, ईशा आ गई, ईशा आ गई ना। तो हर गेस्ट को रिस्पेक्ट मिलती है 10-15 दिन, है ना, बाद में वो नॉर्मल हो जाता है। हाँ। अब 10-15 दिन हो गए, अब मम्मा आ गए। हाँ। अब मम्मा आपको रिस्पेक्ट देंगे फिर से, आपको फिर नयापन, नए तरोताजगी। तो मम्मा तो मेरे को अभी देती नहीं है क्या इज्जत? हाँ। यार ऐसे तो फिर तेरे पापा भी कहेंगे कि मम्मा रिस्पेक्ट नहीं देती। क्या सच बताना भूल गया, इनके पापा भी आ रहे हैं बॉम्बे। हाँ, थोड़े दिन बाद। मैंने इसको पूछा, मैंने कहा शौर्य तू उदास क्यों है? कहता मुझे आज ही पता लगा पापा भी आ रहे हैं बॉम्बे। तो चलो दोस्तों, अभी मम्मा आ रहे हैं, एयरपोर्ट से लेट ना जाएं, क्योंकि लास्ट टाइम भी हम लेट हो गए थे। कौन जब ये आए थे, तो अभी हम चलते हैं टाइम पे। टाइम वैसे अभी भी लेट ही है हम, तो अभी चलते हैं। हाँ, तो अभी लेकिन आज उनकी फ्लाइट थोड़ी लेट निकली है, तो शायद वो लेट ही पहुंचेंगे। साक्षी, अभी मुझे मैसेज आया, शिखा का फोन ऑन हो गया। हाँ, तो निकले, तो अभी हम घर पे ही है लास्ट टाइम की तरह। पर उनको कैसे पता लगेगा? ब्लॉग देख के। मेरे ब्लॉग देखती है वो? चलो शौर्य आ जाओ। हाँ। ये लो शौर्य। हेलो। चलो जी एयरपोर्ट। वो पहुंच चुके हैं, उस हिसाब से जाने। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। अरे एनर्जी कहाँ गई? एनर्जी बचा के रखी है, आवाज कम। आप सबके कमेंट्स आ रहे थे कि बिल्लू एंटी कब आएंगे, बिल्लू एंटी कब आएंगे। शौर्य भी पूछ रहा था कि बिल्लू एंटी कब आएंगे। अब आ गए, उनकी तलाश में जा रहे हैं। उनकी तलाश में, वो गुमशुदा थोड़ी ना शौर्य। अभी शौर्य हमें बता रहा है लेफ्ट मुड़ो, राइट मुड़ो, सीधा लेके जाओ गाड़ी। मैं दे के हैरान हो रहा था, शौर्य को एयरपोर्ट का रास्ता एक बार आने में याद हो गया? मैं इतने टाइम से मुंबई में हूँ, मुझे एयरपोर्ट का याद नहीं है। हाँ जी, वो तो मुझे बाद में पता लगा ना कि ये यहाँ से देख देख के बता रहा था। शौर्य, बाकी आज पूरे ब्लॉग में तेरी इंग्लिश नहीं आई, कुछ इंग्लिश में कह दो हमारे सब्सक्राइबर को। व्हाट आर यू डूइंग? अब आपने कमेंट में बताना है कि आप क्या कर रहे हो। शौर्य आजकल पंजाबी भी सीख रहा है ना शौर्य? शौर्य को पंजाबी बोलनी नहीं आती क्योंकि ये हिमाचल में रहता है, ये हिमाचली है। और अच्छा शौर्य, तू वो तो नहीं है हिमाचल वाला? हाँ, हाँ, तिखा वाला। तिखा वाला तो नहीं हो पाया, हिमाचल वाला। शौर्य तो तिखा वाला ही है। चलो शौर्य पंजाबी में कुछ बोल दे। हाँ, इंग्लिश में और फिर ट्रांसलेट किया गया पंजाबी में, की कर दे पे हो। तो चलो शौर्य, अभी ये सब लोग कमेंट में तुझे जरूर बताएंगे कि वो क्या कर रहे थे। हेलो फ्रेंड्स, अब हम थोड़ी देर में पहुंचने लगे आए एयरपोर्ट। शौर्य आपकी आवाज में दम ही नहीं है यार, लोगों को समझ नहीं आना। सच्ची? हाँ, ऊंची बोलना पड़ेगा, जितनी जान है लगा दो। यस, इकट्ठी कर रहा अपनी एनर्जी। हेलो फ्रेंड्स, आज आप सोच रहे हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? आज जा रहा हूँ मैं शिखा मासी और बिलोंती को लेने। वो मैंने बता दिया ना शौर्य, बस। और हम अभी थोड़ी देर में पहुंचने लगे। मैंने सोचा तो ऐसे आराम करेगी कि ये सारा काम तो यही कर रहा है ना, गाड़ी में बैठ के यही डायरेक्शन ये बता रहा है सारी कि कहाँ जाना है, कौन सा रास्ता है, और व्लॉग ये शूट कर रहा है। हम तो बस जा रहे हैं इसके साथ। आई एम गोइंग टू एयरपोर्ट। यस अक्षय, सबूत के लिए मैंने ना वीडियो बना ली ट्रैफिक की, अगर हम लेट पहुंचे
तो बोल देंगे ट्रैफिक बहुत था। अब हमारे पास बहाना भी है ना। हाँ, तो अगर जल्दी पहुँच गए तो हम बोलेंगे कि हम ट्रैफिक को चीरते हुए निकले। हाँ। तुझे जादू दिखाऊं? एक जादू। हाँ? ये देखो, इसको मैं ऐसे करूंगा ना हाथ, जब हटाऊंगा ना हम एयरपोर्ट में होंगे। हाँ, नहीं यकीन आता, ये देखना। शौर्या, तुझे कहा था ना जब मैं हाथ हटाऊंगा तो एयरपोर्ट आ जाएगा। आ गया ना? कैसा लगा मेरा जादू? बहुत ही खतरनाक। वाह, क्योंकि ये तो मैं भी करूंगा। अच्छा, चल तू ऐसा कर, हाथ रखो और हाथ हटाया और देखा हमें कि अंडी एयरपोर्ट पे आई हूँ। हटाओ बच्चा, पैर कथे? हेलो, शांति आई घर पे? आई। फाइनली फैमिली कंप्लीट हो ही गई। आप सबके मैसेजेस आ रहे थे बहुत ज्यादा कि आप भी वहाँ पर जाओ, यहाँ तो उनको बुला लो यहाँ पे। हमें ये किसी ने नहीं कहा कि वहाँ जाओ, हमें कहते उनको यहाँ बुलाओ वहाँ पे। बड़े चलाक है। तो सही बात है। और देखो आज वादा पूरा हो गया है ना। आपने एक बात का ध्यान दिया शिखा, जब से आई मेरे को बोलने का मौका नहीं मिला। पहले भी नहीं देती, अभी भी नहीं दे रही। और दूसरा ध्यान दिया, मम्मा ने भी मौका नहीं दिया। शिखा, तेरे व्लॉग्स देखता था। हाँ। और आज तूने एक व्लॉग डाला खाना खाने वाला। हाँ। खाया था इसमें। मतलब वो क्या था? वो था बस खाओ खाओ। मुझे ऐसा लगा कहीं शादी पे गई थी, वहाँ से खाना खाया है घर पे, अब चैलेंज के बने से खाई जा रही है। वो बच गया था सारा, थोड़ा थोड़ा ले थी सैलेड। एक और सीन हो सकता है, मामा ने आना था मुंबई। हाँ। और सब्जियां खरीद ली पहले। हाँ। इनको पता नहीं था और खत्म करनी थी बहाने। हाँ। से इसने सोचा क्यों ना वीडियो बना लूं। ये वैसे पॉइंट तो है ये वाला। ये ऐसे मुझे मम्मी ऐसे तो नहीं किया आपने मेरे साथ? ऐसे तो नहीं किया, वैसे हो गया है। मुझे बता दो, हो गया क्योंकि इन्होंने इतनी मेहनत से सब्जियां बनाई है, मतलब किया कुछ नहीं है इन्होंने, वैसे देखा जाए सिर्फ उबाला ही है सब्जियां। तो अभी मुझे बहुत सारे कमेंट्स ये भी आए थे, कहते आपके घर पे जो दरवाजा लगा वो तो आपने दिखाया नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ इसी वीडियो में दिखा दें। साक्षी मुझे भी दिखा देना और साथ में एक्सप्रेशन भी पता चल जाएंगे। हाँ, हाँ। तो शौर्य, नहीं देखा एक बार भी। आप अपने इस वीडियो में कुछ कहना चाहते हो बिलो एंडी के लिए? गाना गाना चाहता है, मतलब पहले शिखा वे बिल्लो एंटी अब शौर्य। अमृतसर में मेरा काम मम्मी ने छीना, गाना गा के अब तू छीनेगा मेरे लिए गाना करेगा। चलो शौर्य गाओ। शौर्य, इतने टाइम में माइक छीन लिया जाता है। बैठो फिर। वाह, कमेंट आया शौर्य की आवाज तो शौर्य के मूसा जैसी है। लो लो, लो क्या हुआ? बेइज्जती मेरी? आपकी मेरी बेइज्जती आपकी नहीं। अच्छा कौन है? इन्नू पता ही, क्या पता मुझे बताना कि मणि इतना बेसुरा है? इन्नू सोचे मेरी बेइज्जती होगी, मणि इतना बेसुरा, मैं भी बेसुरा है गावा। मम्मी उन्होंने तो सोचा तू ही क्यों बोलिया? नहीं मैं इन्होंने मेरी इज्जत छीन। बेड़ा घर। तो चलो दोस्त अभी सीधा घर ही जाके मिलते हैं। तो ये हम अपनी बिल्डिंग में एंट्री कर चुके हैं। मुझे लगता है मेरा अंगूठा हटा दिया। हमने सर भी अंगूठा लगा लिया, इधर भी लगा लिया, हमने घर छोटा करा लिया। मेरा कमरा अंदर है ना? बिल्कुल अंदर ही है। शौर्य धीरे, कैसा लग रहा जी? हेलो आयशा, मनी लाइट्स ऑन करो दोस्तों। ये देखो इनका प्यार। इसे कहते हैं असली प्यार। खुशी प्यार उभर रहा है। इतना प्यार मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया। तो चलो दोस्तों, आपने देख लिया ये दोनों कितनी गिरी हुई थी। सोफे तो डिग गई की करिए, सोफे तो डिग गई। तो चलो दोस्तों, ये ब्लॉग यहीं पे हम खत्म करते हैं। दरवाजा तो दिखा दो यार। और ये दरवाजा तो देखा नहीं आपने? सच्ची बात, ये दरवाजा बन गया सेम है ना? हाँ। दोस्तों, कितने दिन बाद बिल्लो और शिखा यहाँ पे आए हैं और मुझे यहाँ कमरे में बिठाया हुआ है। आप यहीं रहना, हम यहीं पे आएंगे। देख लो आवाजें आ रही है। आ जाओ अंदर आ जाओ, बोर कर रहे हो।
बाहर देखो कितना चिल्ला रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि पहले आके मुझे मिल लो। आवाज दो इनको, ओ आजो। जब ये बाहर वीडियो बनाते हैं तो भूल जाते हैं सारे, पापा को तो कुछ याद ही नहीं करता। क्यों आगे हेलो, फिर आप मुझे मिल लो पापा। ये देखो फिर नहीं लेके आए, देख लो, जो इतनी देर से हम आपके साथ थे, हमने आपका साथ नहीं छोड़ा, हम सबसे पहले हम ही आए आपको मिलने। देख लो कब से मैं वेट कर रहा हूँ और ये देखो किसी को है ही नहीं मेरा। वो कहते हैं मैं थोड़ा और स्मार्ट बन के आऊँ। ये आ गई। देखो मैं कितने दिन से उदास था, म्यूजिक भी नहीं बनाया मैंने। हाँ, कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, अब आपको बहुत ज्यादा तंग करूंगी। तंग कर रहे, मेरा दिल नहीं लगता। दिल नहीं लगता, स्लिम थी, इतने हो गए हो। कहाँ गया वो पेड़ जो छोड़ के गई थी? इन्होंने मेरा कर दिया, ये इन्होंने अपना भी कर लिया। नहीं, इन्होंने मुझे पता नहीं क्या क्या खिलाया, दलिया पता नहीं और क्या क्या। पापा डायरेक्टली ये कह रहे हैं कि साक्षी ने कुछ बना के नहीं खिलाया। नहीं, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बना के खिलाई है। मेरी बिल्लो आ गई, तुम्हें पता है बिल्लो आ गई, मैं तुम्हें मेरी जान हो। कितने डेढ़ महीना वहां लगा के, तुम्हें पता मैं कितनी मुश्किल से एंजॉय, कितनी मुश्किल से दिन काटे हैं मैंने। तो दोस्तों ये देखो इतना बड़ा बेडरूम है, और मैं जानता हूँ मैं अकेले सोता था। अब फिर दुखी। दोस्तों मजाक अपनी जगह, मुझे बहुत खुशी हुई है कि अब आ गए हैं, अब हम खूब इंजॉय करेंगे, नया साल भी यहीं मनाएंगे। यस बाय।